फिफ्थ। जिन्होंने भी पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा, प्लीज नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर वो देखें ताकि उनको आगे का चैप्टर समझ में आए, अदरवाइज दे आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड। तो सबसे पहले अब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे पेज नंबर 8, जो आपकी एनसीईआरटी का बुक का है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप 1750 से 1760 तक के समय के बारे में। तो इस समय सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इटली और स्विट्जरलैंड छोटे छोटे किंगडम में डिवाइडेड था। डच कैंटून्स में ऑटोमन टेरिटरी थी। पीपल वर हैविंग कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड शेयर्ड अ कॉमन कल्चर। लोग एक अपनी आइडेंटिटी में थे, एक ही कल्चर फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें बुक जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर पेज नंबर 8 पे आप पहला पैरा देखेंगे, तो वहाँ पर एक हैम्सबर्ग एम्पायर है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि हैम्सबर्ग एम्पायर वॉज मेड बाय डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन से बना था। और पीपल ऑफ एल्पाइन रीजन, ये पहाड़ी क्षेत्र, एल्पाइन मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ, दे वर ट्रेल बाय ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड, लैम्बॉर्डी, वियतनाम। और यहाँ के लोग इटालियन स्पीक करते थे, जो इटली की मातृभाषा थी। अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग टेरिटरी, अलग अलग लोग एक ही रीजन में रहते थे। तो जब बोहिमिया में नोबिलिटी स्पोक हुई, जर्मन में, गैलिकिया में पीपल स्पोक पॉलिश, एवरीवन हैड डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटन, बट वन थिंग वॉज कॉमन, वॉज द लॉयल्टी टू द एम्परर। दैट वॉज द ओनली बाइंडिंग बिटवीन द ग्रुप दैट वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम ये जान सकते हैं कि अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रीजन, अलग अलग कस्टम के लोग थे, जिनकी एक अलग अलग आइडियोलॉजी थी, पर उनके बीच में एक चीज कॉमन थी कि राजा के प्रति वो बहुत वफादार थे, राजा के आदेश का पालन करते थे, राजा के कार्य या राजा ने जो भी बोला है उसको अधिनियम के तौर पे, कानूनी तौर पे मानते थे और रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए यहाँ पर इतने सारे रिलीजन, इतने सारे स्पोकन लैंग्वेजेस होने के बाद भी लोगों के बीच में मतभेद नहीं था। तो इसमें हम जान सकते हैं कि कैसे एक नेशनलिज्म, एक यूरोपियन स्टेट एकत्रित हुई डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के तौर पे। तो पहला पॉइंट देखेंगे, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस, अलग अलग तरीके के चेंजेस हुए पॉलिटिकली, मेंटली, पूरी वर्ल्ड में, यूरोप में भी। सेकेंड पॉइंट, नेशन स्टेट इमर्ज्ड इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप, जहां पर अलग अलग स्पीकिंग लोग थे, अलग अलग कस्टम फॉलो कर रहे थे, अलग अलग राजा थे, कोई किसी की जगह एनेक्स कर रहा था, कोई किसी की जगह कैप्चर कर रहा था। थर्ड पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। तो लोगों के मन में तो था कि हमें एक नेशन, एक लैंग्वेज और एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, पर ये हो नहीं पा रहा था। इसलिए इतने सारे लोग, कहीं पॉलिश स्पीकिंग पीपल थे, कहीं पर जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, कहीं पर लोग गैलिकिया लैंग्वेज बोल रहे थे, कहीं पर मैग्यार लैंग्वेज बोल रहे थे। तो ये लोग अलग अलग अपने डायलैक्ट्स फॉलो कर रहे थे कि जिसको जो समझ में आ रहा था वो वहाँ वो कर रहा था, लेकिन राजा के प्रति, राजा के लिए इनका देश प्रेम एक था। सो हियर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकेंड पार्ट विच इज द 8th पेज पैरा 2, द ऑटोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास इमर्जेंस। तो इसमें हम जानेंगे, जब हम बुक में भी इसमें कंसल्ट करेंगे, कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन या एक फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे मिडिल क्लास ग्रुप के लोग, और एक हाई डिप्लोमेसी थी यहाँ पर, एक स्टैंडर्ड के तौर पर वो फ्रेंच से लैंग्वेज से बात करते थे, जिसमें उनका एक क्लास शो होता था। ये एक तरीके का नया मिडिल क्लास इमर्ज कर रहा था फ्रांस में। इनकी फैमिली एक दूसरे से कनेक्टेड थी थ्रू मैरिजेस। वुमेन फ्रॉम वन हाई रेपुटेटेड फैमिली वॉज मैरिड टू अनदर रिच फैमिली। पॉपुलेशन वॉज मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। लैंड यूज वॉज डिवाइडेड इन स्टेट एंड लैंड वॉज एनेक्स्ड बाय द हाई मर्चेंट
who owned the land and farmers work on their land holdings. In 18th century, industrialization was started. In France, Germany, 19th century, new industries, businessmen, professional, educated class, middle class emerged as an idea of nationalism. ये national unity चाहते थे, want to abolish autocratic privileges given to the rich and powerful people. जितने भी यहाँ वहाँ के privileges दिए गए थे, first class और second class को ये चाहते थे कि सब abolish हो, ये सब खत्म हो. तो एक तरीके से हम ये भी मान सकते हैं कि middle class, middle society एक तरीके से rural area से urban areas में आई. ये खानदानी लोग थे, ये एक तरीके की क्लास थी जो फ्रेंच स्पीकिंग को एक लैंग्वेज, एक कल्चर मानती थी. और जैसे कि हम इंग्लिश मानते हैं आज के टाइम पे कि व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश वी थिंक दैट दिस इज आवर क्लास. तो इस तरीके से ये भी मानते थे कि जैसे फ्रांस के लोग कि अगर हम फ्रेंच बोलेंगे तो हम भी हाई सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे. और यहाँ पर इनका बहुत बड़े खानदानी परिवार होते थे जो कि एक तरीके से यूनिटी में थे. यहाँ पर यहाँ की वाइफ यहाँ शादी हुई इस घराने की लड़की से, तो ये लोग एक तरीके से यहाँ पर भी एक दूसरे को बिलोंग करते थे. और इमर्जेंट करे ये चाहते थे कि प्रोफेशनल लोग, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल की ये सारे प्रिविलेजेस जो जबरदस्ती लुई 16 के टाइम पे दिए गए थे ये सारे एबॉलिश हुए फर्स्ट और सेकंड क्लास को, और हर किसी को राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन मिले और हर कोई अपने अनुसार यहाँ पर रह सके. व्हेन फ्रांस वाज गेट फ्रीडम. थैंक यू.